अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो आपका खैर मकदम है इस नए व्लॉग में। आज जिस जगह के बारे में ये व्लॉग होने जा रहा है वो जगह मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, बिकॉज आई ब्लॉग्ड इट, आई एम गोइंग बैक टू माई रूट्स। ये जगह है बारामूला। इससे पहले मैं बहुत बार गया हूँ वहाँ पे, बट आई हैव नेवर बीन फिल्मिंग इट, बट दिस टाइम आई विल बी फिल्मिंग इट फॉर यू पीपल। तो देखिए कितनी खूबसूरत जगह है बारामूला के बियॉन्ड। दो दिन की बारिश हुई और देखिए जेल में कितना पानी है। ये नईदखे का पुल है, एक छोटा सा नाला है। आप देखिए पानी कितना आया है यहाँ पे, लोगों के जमीन में से पानी जा रहा है। ये रोड जो आप ब्यूटीफुल रोड देख रहे हो, मनी ऑफ यू नो, सबको पता ही होगा वैसे, लेकिन मैं फिर भी बताता चलूं कि ये है नईद खाई पे वाथ गामरे कन। यह बड़ शेरन आम, बड़ खूबसूरत वाथ, बड़ असल वाथ, कमी थोड़ा विड़ तीचा कि मगर जबरदस्त असल वाथ। पहुंच गए हम हामरे हाईवे पे, NH44 जिसे कहते हैं, एंड वी आर हेडिंग टू बारामूला। साइड में लंबे लंबे दरख्त, इट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ बारामूला। तो देखिए वहां से बादल देखिए, पहाड़ की चोटियां देखिए, खूबसूरती देखिए, बड़ मज़। यह है डिग्री कॉलेज बारामूला। ये हम एंटर हो रहे हैं बारामूला में। तो ये है बस अड्डा बारामूला, यहाँ से गाड़ियाँ निकलती है उड़ी की। तो यहाँ पे फ्राई की जा रही है हगाड। तो इसके साथ ही देते हैं ये चटनी, प्याज की चटनी। और क्या है ये? ग्रीन। ओके हाँ वो बोलते हैं, ठीक है, चलिए थैंक यू। तो कश्मीर में इनको बोलते हैं होगार्ड। ये इन्होंने फ्राई करके दिया ग्रीन चटनी, इसके साथ इन्होंने दी है ग्रीन चटनी और प्याज की चटनी। हालांकि आई डोंट रिकमेंड इट बिकॉज इट इज नॉट हेल्दी एज यू ऑल। अच्छा ये पहाड़ देखिए आप, यहाँ पहाड़स ना तुम कशिर पे वन पोतर कने कि इतने हूँ तुम वे यम पूर सप्लाई ये पे। बारामूला से निकल गए हम और आप देखिए रोड की खूबसूरती और साइड से देखिए जहलम। ये पार्क है खादनियार में, इको पार्क के नाम से मशहूर है। तो जब हम इको पार्क में आए, इट इज सरप्राइजिंग कि मुझे यहाँ पे मिले आमिर 2017 में, शायद 2019 में मेरे पास पढ़ते थे एक कोचिंग सेंटर में। इट लुक सो ऑसम। यहाँ जहलम की विड्थ देखिए आप, बहुत ज़्यादा, और पानी की लेवल देखिए वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो ये गांव है पीछे साइड मेरे ये वाला, इसे कहते हैं खादनियार, बारामूला वाले तो जानते होंगे ओबियसली। और ये पार्क जो है यही है इको पार्क। इस टाइम हम अंदर नहीं जाएंगे बिकॉज वी आर गेटिंग लेट। तो वो रोड देखिए कितना ऊपर है, ये बहुत नीचे है पार्क।
लेट्स गो नाउ। तो मैं आपको बता दूं कि इको पार्क जो है यहाँ पे लोग शाम को ही आना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि शाम को ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और बड़ा मज़ा आता है, बड़ा लुत्फ़ आता है यहाँ पे बैठने में। तो हम निकल गए यहाँ से इको पार्क से। बारामूला से निकलने के बाद जिस जगह हम पहुँचने वाले हैं उसे कहते हैं शीरी। शीरी इज़ अ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस आफ्टर बारामूला। तो यहाँ से शीरी का मार्केट स्टार्ट होता है। तो ये है वो पुल जिसका हैदर फिल्म में भी मेंशन किया गया है, हैदर मूवी में इसका मेंशन किया गया है। तो जिस जगह हम इस वक्त पहुंचे हैं इसे कहते हैं पीरनिया। आप मेरे पीछे देखिए कि कितना ब्यूटीफुल है ये इलाका। जिस जगह हम पहुंचे इसे बुनियार कहते हैं, ब्यूटीफुल। यहाँ से उड़ी है 23 किलोमीटर्स, लगामा है 20, चकोटी है 43, मुजफ्फराबाद है 93 किलोमीटर्स। तो अभी जहाँ हम पहुँचे इसे कहते हैं बुनियार। बुनियार एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, यहाँ हवाएं बहुत तेज़ चल रही है, बड़ा मज़ा आता है। आप मेरे पीछे देखिए कितनी खूबसूरती है, हरियाली है, ग्रीनरी है। और यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यपर वन चिल्ड्रनस पार्क ब्रू अम ब्रू पे योर आयास या चिल्ड्रनस पार्क मज ज्यादा झूल बाकी चीज राइड्स आस बड़ मजुस ये मगर आज तु मज मगर आज पार्क बनम बड़ खूबसूरत। ये पुल है बुनियार का और नीचे से देखिए पानी किस तेजी से जा रहा है। वाओ, इट इज सो ऑसम, इट इज ऑसम, रियली ऑसम। मैं आपको अदर साइड दिखाता हूं। ये देखिए अदर साइड। भाई क्या है ये? ये अंडरग्राउंड टनल है जो कि आरसी मोहरा तक और मोहरा में फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट जो बनाया था प्रताप सिंह ने, दैट इज द फर्स्ट पावर स्टेशन ऑफ कश्मीर। ओके, थैंक यू। मेरे पास वर्ड्स नहीं है टू एक्सप्लेन दिस ब्यूटी आउट देयर ऑन द रोड, लेकिन मेरे दिल के करीब जो एक प्लेस है वहाँ हम पहुँचने वाले हैं, दैट्स कॉल्ड चननवाड़ी, कोशिर पोशता वन चनन वोर। बड़ खूबसूरत जाय, बड़ ज़बरदस्त जाय, बड़ा हवा हासा ए मज़ तक इंतहाई ज़्यादा। इस जगह को कहते हैं उरनबू, उरनबुआ, और उरनबुआ के बाद है चननवाड़ी। ये आ गया चननवाड़ी और हमें यहाँ से राइट टर्न लेना है। I cannot show you the market. Maybe sometime later. ये है मार्केट चंदनवाड़ी का, बहुत लंबा मार्केट है। अब जिस जगह हम जा रहे हैं, हमने यहाँ चंदनवाड़ी से राइट टर्न लिया और जिस जगह हम जा रहे हैं उसे कहते हैं बिझामा। अब देखिए रोड्स कैसे हैं, क्लीन।
ये देखिए पुल, पुल से हम जा रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, क्या माना ये, इसे कहते हैं नूर खा पुल। और ये पानी देखिए आप कितनी तेजी से जा रहा है पानी। हमें जाना था लेफ्ट साइड से लेकिन हम जा रहे हैं राइट, इसलिए बिकॉज यहाँ पे एक खूबसूरत सा वाटरफॉल है जो मैं चाहता हूं कि मैं आपको दिखाऊं। ओह माय गॉड, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। वाह, ऊपर से यहां से मैं इस वक्त इस पुल पे हूं, लेकिन मैं करूंगा काम, मैं नीचे जाऊंगा ये वाटरफॉल आपको दिखाने के लिए। ये वाटरफॉल बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत लंबा भी है, बहुत लंबा है, बहुत ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे जा रहा है। चलो इस पूछो ये कुछ, आप देखिए कितना लंबा वाटरफॉल है ये। पानी फिर यहां से पच्ची बूंद बसा यार कि बूंद गसा ये वाता पच्चो दी जहल मसम। तो मेरे पीछे वाटरफॉल है, आप देखिए कितना खूबसूरत है। और देखो कहां से पानी आ रहा है, यहां से पानी आ रहा है डायरेक्टली नीचे, ये देखिए बहुत फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट पानी, बहुत ज्यादा फास्ट आ रहा है वहां से। तो हम इस वाटरफॉल से अब निकल रहे हैं, दिल तो नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, इतना ज़्यादा मज़ा है यहाँ पे, लेकिन क्या करें जाना पड़ेगा। एक बात है कि ये एक बात है ये वाटरफॉल जो है बहुत खूबसूरत तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इट्स नॉट डेवलप्ड। अगर आप देखेंगे यहाँ से सारा कूड़ा करकट जो है वो यहाँ फेंका जा रहा है, पानी में जा रहा है, और लेकिन इतना हसीन, इतना खूबसूरत वाटरफॉल है ये। गवर्नमेंट को चाहिए कि दे शुड लुक आफ्टर इट, दे शुड ट्राई टू डेवलप दिस वाटरफॉल। ये जो ये खूबसूरत सा वाटरफॉल है, दे शुड गवर्नमेंट शुड ट्राई टू डेवलप इट इनटू अ पब्लिक स्पॉट, बड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ पीछे भी देखिए आप कितने खूबसूरत पहाड़ है, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा है यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं डायरेक्टली टूवर्ड्स अवर डेस्टिनेशन। वहाँ से हमें जाना है ऊपर, ये रास्ता बिझामा की तरफ जाता है। तो अब जहाँ हम पहुँच गए ये हमारी डेस्टिनेशन है, इसे कहते हैं बिझामा। बिझामा एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जैसे आप देख सकते हैं बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत। दिस इज़ द प्लेस वायर और फैमिली एक्चुअली बिलोंग्स, लेट मी टेल यू। मैं आपको कहूँ बिझामा खूबसूरत होने के साथ साथ बिझामा ने बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे इंटेलिजेंट बिट्स प्रोड्यूस किए हैं। जैसे हमारे गांदरबल में यू नो डीसी साहिब थे जिनका नाम था शफकत इकबाल, यस, तो वो भी ये इसी खूबसूरत इलाके से थे। इसी तरीके से जो SSP गांदरबल थे फयाज अहमद, का हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस व्लॉग को, ताकि आप ऐसे खूबसूरत अल्लाह की क्रिएशंस फिर से देख सकें। थैंक यू।